कहीं पे आपको इस तरीके से सवाल देखने को मिल जाए तो आप कैसे करेंगे? देखो अगर यहाँ पे लिखा रूट तीन प्लस रूट दो से रूट बारह प्लस रूट अठारह कितना लिखा है, अगर हम रूट बारह प्लस रूट अठारह से रूट तीन प्लस रूट दो को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना लिखा है। तो देखो ये घटेगा कैसे, ये रूट बारह लिखा है ठीक और प्लस रूट अठारह लिखा, इसमें से हमें मान करते हैं हम रूट तीन और प्लस रूट दो को, तो हमें पता चल जाएगा कितना लिखा है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है, रूट बारह या फिर रूट अठारह जब कर्णी की संख्या में कब घटता और जुड़ता है, जब इसके कर्णी की संख्या क्या हो आपस में बराबर हो, तो हम इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, जो देखो यहाँ पे रूट बारह लिखा है, बारह लिखा तो बारह को क्या दो गुड़े तीन देख सकते हैं, क्योंकि दो दुनी चार जाते हैं बारह हो जाएगा। प्लस उसी तरीके से रूट अठारह लिखा तो अठारह को हम तीन गुड़े तीन तीन त्रिका नौ और गुड़े दो अठारह देख सकते हैं और माइनस क्या रूट तीन प्लस रूट दो ठीक। देखो ये क्या रूट दो, अब देखो रूट में क्या होता है कि अगर दो संख्या आपस में समान है तो दो क्या हो जाएगा बारह आएगा, तो दो रूट तीन हो जाएगा और प्लस में अगर कड़ी के अंदर दो संख्या समान है तो क्या होगी एक बार बाहर आ जाएगी, तो रूट तीन प्लस रूट दो। अब देखो इसकी कड़ी का संख्या यहाँ पे भी तीन है और यहाँ पे जो बात करना है क्या रूट तीन प्लस रूट दो, ये भी समान है, ये भी तीन है और यहाँ पे भी तीन, तो तीन तीन से घटेगा यानी कि रूट तीन में से रूट दो रूट तीन में से केवल रूट जाएगा तो क्या बचेगा रूट तीन बचेगा और प्लस लगा बीच में प्लस लगा देंगे ठीक। तीन रूट दो में से एक रूट जाएगा तो क्या बचेगा दो रूट दो, तो इसका आंसर क्या आएगा रूट तीन प्लस दो रूट दो। उसी तरीके से हम लिखा रूट सत्ताईस प्लस रूट चौसठ से रूट तीन दो रूट तीन प्लस रूट चार कितना अधिक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।